जून 2014, पेपर टू, क्वेश्चन 11, पार्ट बी, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट ऑन द सर्कल सेंटर ओ विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, पी ओ क्यू इज़ 130 डिग्री, इट इज़ गिवन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन गिवन ऑन दिस क्वेश्चन. पार्ट ए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू. पी ओ क्यू, डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, और देर इज़ वन मोर फार्मूला, 1/2 ए बी साइन थीटा. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हो. जब हमारे पास दो साइड गिवन हो और उनको इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो हम 1/2 ए बी साइन थीटा अप्लाई करते हैं. इस क्वेश्चन में आप 1/2 ए बी साइन थीटा अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास रेडियस 4 है. दिस साइड इज़ आल्सो 4, क्योंकि ओ पी एंड ओ क्यू आर द रेडियस, और इनके दरमियान वाला वी कॉल इट इंक्लूडेड एंगल. 130 डिग्री इज आल्सो गिवन. सो 1/2 इंटू 4 टाइम्स 4 टाइम साइन 130 डिग्री. कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे. सो 1/2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स साइन 130 डिग्री, आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 6.128. और हमने इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर. पार्ट टू, कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, शोन अनशेडेड इन द डायग्राम. सबसे पहले हम सेगमेंट और सेक्टर के कॉन्सेप्ट में फ़र्क आइडेंटिफाई करते हैं. अगर हम इस तरीके से सर्कल को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास सेगमेंट्स बन जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द मेजर सेगमेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. और अगर हम सर्कल को इस तरीके से इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वी कॉल इट सेक्टर्स. तो ये हमारे पास मेजर सेक्टर कहलाता है और नीचे वाला हमारे पास माइनर सेक्टर कहलाता है. तो हमें देखना पड़ेगा कि सेगमेंट इसमें कौन सा है. सो आप लोगों को सेगमेंट और सेक्टर में बड़ा क्लियर कट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. इसमें उसने क्या पूछा है, उसने अनशेडेड सेगमेंट पूछा है. तो जब हम अनशेडेड सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास दो पोर्शन है. एक ये देखें, ये एक सेक्टर है और दूसरा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है. ये देखें तो ये दोनों पोर्शन मिलके आपके पास ये सेगमेंट बना रहे हैं. ये आपके पास मेजर सेगमेंट बन रहा है और ये मेजर सेगमेंट टू पार्ट्स पे बेस करते हैं. एक ट्राइंगल है और एक सेक्टर है. एरिया ऑफ ट्राइंगल वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 6.128 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब हमें इस एरिया ऑफ सेक्टर को, मेजर सेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मेजर सेक्टर के लिए हमें मेजर एंगल चाहिए. तो नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल, दिस रिफ्लेक्स एंगल. सो व्हाट वी विल नीड टू डू, 360 माइनस 130, सो वायर आंसर इज 230 डिग्री. अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और यू नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. वैल्यूज प्लग इन करें, थीटा 230 वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, 360 3.142 वैल्यू ऑफ पाई और रेडियस इज 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर. दोबारा चेक कर लेते हैं, ये थीटा 230 है और रेडियस इज 4 है.
अब आपने कैलकुलेटर का एफिशिएंट यूज़ करना है। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32.114 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट दिस इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर, हमने शेडिड अनशेडिड पोर्शन को कैलकुलेट करना है। तो अनशेडिड पोर्शन जो आपको एरिया एक्चुअल कैलकुलेट करना है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो जो हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो है जी एरिया ऑफ अनशेडिड पोर्शन। वो क्या है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 6.128 और एरिया ऑफ सेक्टर है 32.114। अब मैं ये दोनों को आंसर ऐड कर लिए सो जो आपके पास जो आंसर आता है 38.242। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 38.2। और बाय दिस वे 1 और 3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हुआ।